सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप एक पीडीएफ की लैंग्वेज को किसी एक दूसरे लैंग्वेज में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स आपने देखा होगा कि कई सारी पीडीएफ ऐसी होती हैं जिसमें कि बहुत सारे पेजेस होते हैं, तो उस पीडीएफ में जो लैंग्वेज होती है वो आपको नहीं समझ में आती है। तो फ्रेंड्स, इस सिचुएशन में आप उस पीडीएफ को सिर्फ एक सिंगल क्लिक में ही आप अपने किसी भी भाषा में कन्वर्ट कर सकते हैं, और कन्वर्ट करने के बाद आप उसे बहुत ही आसानी तरीके से पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। और दोस्तों, ये मैं अपने लैपटॉप और फ़ोन में दोनों में ही करके बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी इसे जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एसके टेक्निकल में। तो गाइस, इसके लिए सबसे पहले आपको अपने गूगल क्रोम ब्राउजर को यहाँ पे ओपन कर लेना है, और ओपन करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको सर्च बॉक्स में टाइप करना है गूगल ट्रांसलेट, और ये टाइप करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आपको सर्च कर लेना है। तो फ्रेंड्स, जैसे ही आप यहाँ पर सर्च करेंगे तो यहाँ पर फर्स्ट नंबर पर ये जो गूगल ट्रांसलेट की जो वेबसाइट है वो यहाँ पर आपको मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, सिंपली आपको इस वेबसाइट को यहाँ पर ओपन कर लेना है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा गूगल ट्रांसलेटर है वो यहाँ पर ओपन हो चुका है। और उसके बाद गाइस, ऊपर यहाँ पे आपको एक डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो सिंपली आपको इस डॉक्यूमेंट वाले ऑप्शन पर यहाँ पर क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे पहले आपको अपनी पीडीएफ की लैंग्वेज को सेलेक्ट कर लेना है कि जो आपकी जो पीडीएफ है वो किस लैंग्वेज में है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर बहुत सारी लैंग्वेज गिवन है, तो आप यहाँ से किसी भी लैंग्वेज को यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर इंग्लिश को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। और उसके बाद फ्रेंड्स, आपको यहां से उस लैंग्वेज को सिलेक्ट करना है जिसमें कि आप अपने पीडीएफ को कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं अपनी पीडीएफ को इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करने वाला हूं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि ये जो हिंदी है वो यहां पर ऑटोमेटिकली यहां पर सिलेक्ट हो चुका है। और उसके बाद फ्रेंड्स, आप यहां पर आपको ब्राउज योर कंप्यूटर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। और उसके बाद फ्रेंड्स, आपको अपने सिस्टम में से उस पीडीएफ फाइल को सिलेक्ट कर लेना है जिसको कि आप यहां पर कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, फॉर एग्जांपल हम इस वाली पीडीएफ फाइल को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं, और सेलेक्ट करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको ओपन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। और उसके बाद फ्रेंड्स, फाइनली आपको इस ट्रांसलेट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड्स, जैसे ही आप वहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारी पीडीएफ फाइल थी जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में थी वो यहाँ पर अब यहाँ पर हिंदी में कन्वर्ट होकर आ चुकी है, जैसे कि आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डाउनलोड करने के लिए आपको अपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस पी बटन को प्रेस करना है। उसके बाद यहाँ पर कुछ इस टाइप का इंटरफेस खुल जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले ये जो डेस्टिनेशन लिखा हुआ है तो यहाँ पे आपको इस एरो पर क्लिक करना है, और यहाँ से आपको सेव एज पीडीएफ को सेलेक्ट कर लेना है, और उसके बाद यहाँ पर आपको सेव वाले बटन पर क्लिक कर देना है। और अब यहाँ पर आपको अपनी फाइल का नाम दे देना है, तो आप यहाँ पर कुछ भी नाम दे सकते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर नाम लिखा हुआ है तो हम यहाँ पर कभी कुछ भी नहीं लिख रहे हैं। और उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड्स, अब ये जो आपकी पीडीएफ है वो हिंदी में कन्वर्ट होकर डाउनलोड हो चुकी है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि आप इसे अपने मोबाइल फ़ोन में कैसे कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके लिए सबसे पहले आपको अपने गूगल क्रोम ब्राउज़र को यहाँ पर ओपन कर लेना है, और ये ओपन करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको सर्च करना है गूगल ट्रांसलेट। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो गूगल ट्रांसलेट है वो यहाँ पर आ चुका है, और उसके बाद यहाँ पे आपको सर्च करना है। और उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको फर्स्ट नंबर पे गूगल ट्रांसलेट की जो वेबसाइट है वो यहाँ पर मिल जाएगी, तो सिंपली आपको इसको यहाँ से ओपन कर लेना है। और ये ओपन होने के बाद फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको ऊपर थ्री डॉट पर क्लिक करना है, और उसके बाद यहाँ पर आपको नीचे आना है, और यहाँ से आपको डेस्कटॉप साइट वाले मोड को यहाँ से ऑन कर देना है। तो फ्रेंड्स, अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो स्क्रीन है वो अब हमारे लैपटॉप की स्क्रीन जैसी हो चुकी है। और उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट वाले ऑप्शन पर यहाँ पर क्लिक करना है। तो अब आपको यहाँ से उसी तरह से वर्क करना है जिस तरीके से मैंने आपको अपने लैपटॉप में बताया था। तो इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर लैंग्वेज को सेलेक्ट कर लेंगे, तो मैं यहाँ पर इंग्लिश को सेलेक्ट कर लेता हूँ, और उसके बाद हम यहाँ से हिंदी को सेलेक्ट कर लेंगे। तो हिंदी को यहाँ पर सेलेक्ट करने के लिए आपको यहाँ पर इस एरो वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, और यहाँ से आपको हिंदी वाले ऑप्शन को यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। तो फ्रेंड्स, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारी दोनों लैंग्वेज है वो यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया हमने। और उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको ब्राउज योर कंप्यूटर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, और यहाँ से आपको फाइल्स वाले ऑप्शन को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। और फ्रेंड्स, अब आपको यहाँ पर अपनी उस पीडीएफ वाले फाइल को सेलेक्ट करना है जिसको भी आप यहाँ पर कन्वर्ट करना चाहते हैं।
तो हम यहाँ से इस रिज्यूम वाले पीडीएफ को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं। और सेलेक्ट करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको एक ट्रांसलेट का ऑप्शन मिलेगा, तो सिंपली आपको इस ट्रांसलेट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड्स जैसे आप वहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो इंग्लिश वाली पीडीएफ थी वो यहाँ पर बिल्कुल हिंदी में कन्वर्ट होकर आ चुकी है, जैसा कि आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। और दोस्तों अब आपको इस पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए ऊपर इस थ्री डॉट वाले ऑप्शन पर यहाँ पर क्लिक करना है। और उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको थर्ड नंबर पर एक डाउनलोड जैसा जो आइकन होता है वो यहाँ पर आपको मिल जाएगा, तो सिंपली आपको इस डाउनलोड वाले आइकन पर यहाँ पर क्लिक कर देना है और यहाँ से आपको डाउनलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो हमारी हिंदी वाली पीडीएफ है वो भी यहाँ पर डाउनलोड हो चुकी है, और अगर आप चाहें तो आप इसे यहाँ पे ओपन करके भी देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप अपने किसी भी पीडीएफ की लैंग्वेज को अपने किसी भी भाषा में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो भी बहुत ही आसानी तरीके से। तो फ्रेंड्स आई होप कि इस छोटी सी वीडियो से आपको थोड़ी बहुत नॉलेज मिली होगी, और अगर आपको थोड़ी सी भी नॉलेज मिली हो तो आप इस वीडियो को लाइक करके हमारा उत्साह बढ़ाएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये नॉलेज दूसरों लोगों को भी पता चल सके। और दोस्तों आप भी एक कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। और दोस्तों अगर आप इसी तरह की और नॉलेजेबल वीडियोस देखना चाहते हैं तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि अगर मैं कोई भी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बने रहें एसके टेक्निकल के साथ।